नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। वक्त हो चला है फटाफट 20 खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं कुछ 20 खबरों पर। आगरा से जेल जा चुकी है अंजलि की दोस्त निधि। 2 साल पहले गांजा तस्करी करते पकड़ी गई थी निधि। आगरा में रूई के गोदाम में लगी भीषण आग, धुआं उठने पर आग का लगा पता। आगरा में नामी स्वीट हाउस की जलेबी में निकले कीड़े, नाश्ता करने आए युवक ने जताई नाराजगी। थाना खैरागढ़ क्षेत्र में पुलिस पर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास, पुलिस कर्मियों ने गड्ढे में कूदकर बचाई जान। ताजनगरी में ठंड और गलन से हाल बेहाल, सर्दी में बुजुर्ग और बच्चे घरों में हुए कैद। 6 महीने पहले भी हुआ था अंजलि का एक्सीडेंट, नशे में चला रही थी स्कूटी। एयर इंडिया के सीईओ ने पेशा कांड पर मांगी माफी, 4 केबिन क्रू और 1 पायलट को ड्यूटी से हटाया। अहमदाबाद में 7वीं मंजिल पर लगी 20 उड़ान, जिंदा जली युवती। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पर विवाद, एलजी ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आप कार्यकर्ता। शिमला मसूरी से ज्यादा ठंडी दिल्ली, देशभर में 40 फ्लाइटें हुई डिले। चेतन शर्मा फिर बने चीफ सिलेक्टर, बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी की घोषणा की। मुंबई में ऋषभ पंत के घुटने का सफल सर्जरी, 3 घंटे चला ऑपरेशन। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में रोहित विराट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड कराची टेस्ट हुआ ड्रॉ, एम्पायर ने खराब रोशनी के कारण रोका मैच। अफ्रीका टी20 लीग के मालिक और बीसीसीआई के बीच टकराव। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की तारीख भूले बाइडेन, 6 जनवरी की जगह बोले 6 जुलाई। ईरान में 2 और प्रदर्शनकारियों को छुड़ाया फांसी पर, सुरक्षा कर्मियों पर जान से मारने का लगा आरोप। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया एयरलाइंस में हाथापाई करने लगा युवक, पायलट को सीट छोड़कर आना पड़ा। अमेरिका में 6 साल के बच्चे ने टीचर को मारी गोली, पुलिस ने कहा गलती से नहीं, जानबूझ कर किया गया फायर। यूक्रेन ने पुतिन पर सीज फायर उल्लंघन का लगाया गंभीर आरोप। फटाफट 20 करोड़, फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।